हम यहाँ पे ज्ञापन हमारे अध्यक्ष जी और तमाम हमारे पदाधिकारी ज्ञापन यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाना है और तहसीलदार महोदय यहाँ पे प्रतिनिधि के रूप आए हैं और उनके द्वारा ज्ञापन दिया जाना है और ये ज्ञापन की प्रक्रिया पुरानी पेंशन बहाल करो ये ज्ञापन यहाँ पे जो दिया गया है उसको यहाँ पे हमारे सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर अभिवादन और यहाँ पे तहसीलदार साहब महोदय आए हैं ज्ञापन लेने के लिए और मैं इस ज्ञापन के माध्यम से आप सबको अवगत करा देता हूँ। ज्ञापन सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय तहसीलगढ़ प्रयाग जनपद चमोली विषय नई पेंशन योजना की कमियों के कारण कर्मचारियों की पुरानी पेंशन पुनः बहाल करने के विषय महोदय उपरोक्त विषय क्रम में सादर निवेदन करना है कि राजकीय कर्मचारियों की वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या नई पेंशन योजना से आपको अवगत कराना है। महोदय 1 अक्टूबर 2005 के बाद राज्य कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया है जो किसी भी प्रकार कर्मचारियों के हित में नहीं है। महोदय उक्त पेंशन योजना समस्त नई पेंशन धारकों के लिए एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है जिसमें प्राप्त पेंशन अत्यंत अल्प होने के कारण सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानित जीवन यापन करने योग्य नहीं रह पाता है। महोदय उक्त नई पेंशन योजना व पुरानी पेंशन में निम्न कमियां देखने को मिलती है। नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना में अंतर जीपीएफ की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। नई पेंशन में पेंशन वेतन के 10% से कटौती की जाती है। नई पेंशन में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी नहीं होती है और नई पेंशन धारक की कुल जमा राशि शेयर मार्केट है। कहने का मतलब है नई पेंशन में बहुत सारी कमियां हैं। ये काला कानून व्यवस्था है और इसका हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री जी का संज्ञान लें और प्रदेश के 80,000 कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन बहाल करें। धन्यवाद। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ये दूसरे सवाल के